सत श्री अकाल एवरीवन। आज मैं आई थी घूमने के लिए M2 के एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारी एंड बिल्कुल न्यू कार्ड दिखी। हम आए हैं द एक्सप्रेसो शॉट पे। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के जो कॉफीज हैं आपको पीने के लिए मिलेगी। एंड मैं आपको इनकी रेंज बताऊँ, इनकी रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। एक बार मैं आपको प्राइजेस दिखाना चाहूँगी। जस्ट 59 से इनके जो प्राइजेस स्टार्ट हैं। एंड चॉकलेट कॉफ़ी है इनकी सबसे कॉस्टली जो है 149 की, वो भी 480 ml में आपको जो है इनकी कॉफ़ी मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूँ इनके टेस्ट की, तो इनका ये क्लेम करते हैं कि इनका जो टेस्ट है वो स्टारबक्स को एंड CCD को टक्कर देता है। इनफैक्ट इनका कहना है कि उससे भी ज़्यादा बेटर है, जो कि हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस में जो है कॉफ़ी यहाँ पे सर्व करें। एंड आपको पता ही है ऑलरेडी मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते खैर करते हैं इनकी बढ़िया सी कॉफ़ी के टेस्ट की। मैडम देखो, हम यहाँ सबसे पहले जो अपने बीन्स होते हैं उसके सीजन पहले कर्स करते हैं। इसको एक जो फाइन होता है, सबसे पहले इसको फाइन के अंदर क्रश किया जाता है, ताकि जो आपका कॉफ़ी का टेस्ट है वो अच्छे से अच्छा बन सके। इसके बाद इसका एक परफेक्ट मेजरमेंट होता है, उसी के अंदर ही हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं 15 ग्राम की कॉफ़ी। उसके बाद इसको हम अपने पोटा फिल्टर के अंदर डालते हैं। फिर हमारा सबसे मेन काम होता है डिस्ट्रीब्यूट। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देन इसको यहाँ से लेवल और प्रेस। प्रेस करने का एक स्टैंडर्ड वेट होता है, उसी के अंदर अगर आप प्रेस करते हैं तो ही जो आपकी कॉफ़ी का फ्लेवर है वो अच्छा आएगा। कॉफी के बारे में ये बहुत सारी न्यू चीजें हैं जो आज मुझे जानने के लिए मिली हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं शुगर, जितना कस्टमर हमें प्रेफर करता है। तो जैसे मुझे ज्यादा मीठी कॉफी नहीं पसंद है, तो क्या मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हम। उसके बाद हम डालते हैं थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर और चॉकलेट सॉस। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। अगर आप इसको मिक्स नहीं करते हैं तो आपको फिर कॉफ़ी का टेस्ट अलग आएगा, कभी कभी आपको चॉकलेट का टेस्ट अलग आएगा। तो जितना अच्छे से मिक्स होता है आपकी कॉफ़ी उतनी अच्छी मिलती है। आइस फ्रोजन मिल्क। तो ये जैसे मिल्क देख रहे हो, आपने ये फ्रीज करके रखा हुआ है, इसका क्या रीज़न है? मैडम एक्चुअली मैं चाहता नहीं कि मैं अपने कस्टमर को वाटर सर्व करूँ। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कोल्ड के नाम पे आइस क्यूब डाल के दे देते हैं, तो उसमें फिर आपको मिल्क का टेस्ट कम आता है और वाटर का टेस्ट ज़्यादा आता है। तो ये कॉफ़ी तो हमारी बहुत ही डिलीशियस लग रही है, आप इसे देख के बस मेरा तो जल्दी से इसे झटपट पीने का दिल कर रहा है। एस्प्रेसो शॉट की जो हमारी कोल्ड कॉफ़ी है बनकर बिल्कुल है रेडी। और इसका टेस्ट जो है अभी हम देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है, जैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी जो है मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पसंद है, मीठा कम होना चाहिए, तो 100% ये कॉफ़ी जो है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। एंड आप अपने हिसाब से जो है आप यहाँ पे कॉफ़ी जो है कस्टमाइज करा सकते हो, आप जिस तरीके चाहते हो उस तरीके की कॉफ़ी आपको सर्व की जाएगी। अगर मैं बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये कॉफ़ी जो है डेफिनेटली 10/10 है। तो एस्प्रेसो शॉट की इस बढ़िया सी कॉफ़ी को मैं कर लेती हूँ फिनिश। आप ये कार्ड देख लीजिए, भैया को देख लीजिए, मेरे रिकमेंडेशन पर आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ की जो बढ़िया सी टेस्टी सी कॉफ़ी जो है आप ज़रूर टेस्ट कीजिए। एंड मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप यहाँ की कॉफ़ी पीने के बाद स्टारबक्स या CCD नहीं जाना चाहेंगे, डेफिनेटली आप यहाँ पे आएंगे। लोकेशन चेकआउट कर लीजिए, M2 के रोहिणी है बिल्कुल उसके बाहर जो है भैया का बढ़िया सा कार्ड है। अभी मैं करती हूँ इस बढ़िया सी कॉफ़ी को फिनिश। ऐसे बढ़िया से कंटेंट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल वर्ल्ड फेमस फूडी। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी बेहतरीन सी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।